ओके मुझे ये विलेज मिल गई फाइनली। डेजर्ट वाली विलेज ही चाहिए थी मुझे। अरे वो क्या है, नेमलेस वन, नेमलेस वन लिखा हुआ आ रहा है, बट ये है कौन? तो वीडियो होती है यहाँ से शुरू, जब मैं मिलता हूँ उस नेमलेस वन से, जिसको मैं जानता भी नहीं था, ना तो उसका कोई नाम था, क्योंकि उसका नाम ही था द नेमलेस वन। अब मैं सोचता हूँ कि ये चीज़ क्या थी, तो मैं चलता हूँ उसको ढूंढने के लिए। और जब मैं उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च करता हूँ, तो मुझे पता पड़ता है कि द नेमलेस वन कोई और नहीं, माइनक्राफ्ट के हार्डेस्ट बॉसेस में से एक थी। तो अब मैंने सोचा कि अब इसे मारना ही मेरा बचपन का जुनून बन चुका अब तो मुझे इसे खत्म करना ही होगा। तो मैं निकल पड़ता हूँ उसकी तलाश में। तो यह है वो अघोरी बाबा का घर। अघोरी बाबा किधर हो आप? पिछली बार तो आप यहीं मिले थे, घर का दरवाजा ओपन है, ये क्या किया है तुमने? लकड़ी के लट्ठे लगाए हुए हैं, मतलब मुझसे बचने का इतना इजी सा तरीका, इसे तो मैं आसानी से तोड़ दूंगा। अरे पिगी कहाँ आ रहा है भाई तू, नीचे जा। अरे ये तो गाय का दूध निकालने में बिजी है, चलो इसको फेंको और मुझे जल्दी से बताओ कि ये द नेमलेस वन है कौन। अरे इधर उधर कहाँ घूम रहे हो, मुझे बताओ तो सही, द नेमलेस वन है कौन, प्लीज बता दो। तो इतनी रिक्वेस्ट के बाद फाइनली बाबा ने हमें बता दिया। और बाबा ने हमें ये बोला कि तुम्हें आगे जाने पर दो चेस्ट मिलेंगे, उनमें से एक में तुम्हें बहुत ही खतरनाक हथियार मिलेंगे, जिससे तुम द नेमलेस वन को मार सकोगे। तो अब मैं उन दो चेस्ट की तलाश में निकल पड़ता हूँ। शायद बाबा ने यही दो चेस्ट बताए थे, पर इन दोनों में से है कौन सा? मुझे जल्दी से जल्दी उस नेमलेस वन को ख़त्म करना ही होगा। जल्दी तोड़ो इन्हें, ले भाई मगरमच्छ तू खा ले इन्हें। तो इन दो चेस्टेज में एक थे, इसमें वाह देखो मेरी किस्मत क्या मिला मुझे, चलो उठा लेते हैं, क्या पता काम आ जाए इसमें। अरे वाह स्टॉर्म लैंडर मिला है मुझे, तो क्या यही हथियार था वो जिससे उसको मार सकते हैं? चलो तुम एमरेल्ड रख लो, ये लगता है शायद मुझे, शायद ये स्टॉर्म लैंडर कुछ कर पाएगा। वैसे इसके हाथ में बहुत ही अच्छा लग रहा है, आई थिंक मुझे तो बहुत सही लग रहा है, तुम्हें कैसा लग रहा है कमेंट में बताओ। तो मैं निकल पड़ता हूँ स्टॉर्म लैंडर को लेके उसको ख़त्म करने के लिए। और अब शुरू होता है युद्ध। इतना ढूंढा मैंने, इतना ढूंढा। अरे वो रही वो रही वो रही, आग में जल रही थी, पता नहीं क्या हुआ इसके साथ, विलेजर को मारती। रुक मैं तेरे को बताता हूँ, इधर आ तू, अभी बताता हूँ मैं तेरे को, इधर आ तू, स्टॉर्म लैंडर से मारूंगा तुझे। ओ शिट उसने तो मार दिया, ये क्या था, मेरे पास स्टॉर्म लैंडर था फिर भी मैं मर गया, बाबा ने तो बोला था कि मैं इसको मार पाऊंगा इससे। तो कहानी तो अभी शुरू हुई थी, बाबा ने मुझे सिर्फ उसको मारने का हथियार दिया था, बाबा ने मुझे उसको मारने के लिए वेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं दिए थे। तो मैं जाता हूँ फिर से बाबा के पास और उनसे नए हथियार लेके उसको वापस निकल पड़ता हूँ मारने के लिए। तो अभी देखते हैं बाबा के साथ होता क्या है। अरे भाई ये बाबा तो बड़ा ढोंगी निकला, साले ने स्टॉर्म लैंडर के बजाय मुझे क्या पकड़ा दिया, हथौड़ा पकड़ा दिया सिंपल। स्टॉर्म लैंडर के नाम पे तो धब्बा था भाई, वो था क्या, सिंपल हथौड़ा पकड़ाया उसने बस मुझे। अभी बताता हूँ साले बाबा को। चलो ओए बाबा किधर है तेरी गाय, वैसे तो मैं चोरी करके ले जाऊँगा आज, तू रुक जा। साले इतना घटिया हथियार दिया तूने मेरे को, तेरी वजह से पता है मैं मर गया वहाँ। अच्छा ये हार्ड कोर नहीं था, नहीं तो पता नहीं मेरा क्या होता, पूरा वर्ल्ड जाता मेरा, ये सर्वाइवल है मैं बच गया। अब बताओ मुझे दूसरा हथियार कहाँ है? तो इसके बाद पर बाबा ने हमें उस नेमलेस फन के सारे राज बता दिए कि उसको कैसे मारना है, कैसे खत्म करना है। तो बाबा ने हमें फिर से बोला कि तुम्हें आगे जाके दो और चेस्ट मिलेंगे और उनमें से तुम्हें दो हथियार और सारे वेस्ट चेस्ट वगैरह सब कुछ तुम्हें उसमें मिलेगा। तो मैं निकल पड़ता हूँ उन दो चेस्ट की तलाश में। ओके तो बाबा ने तो हमें सब कुछ बता दिया है, तो निकलते हैं जल्दी यहाँ से। इसका गेट अरे ओपन कर दिया मैंने, बंद कर देता हूँ।
तो ये दो चेस्ट में पहले कुछ खास नहीं मिला, सेकंड इन दो चेस्ट में तो नहीं, इन दो चेस्ट में कहाँ बताया था उसने, वो आगे वाले दो चेस्ट थे, उसने बोला था आयरन गोलम के पास में कुछ मिलेगा, इस चेस्ट में मिलेगा क्या? ये फर्स्ट वाला ओपन करता हूँ। ओ ठीक है, हमें यहाँ पे कुछ मिला है, नेदरराइट के चेस्ट। भाई साहब क्या कुछ मिल गया है हमें। ओके नेदरराइट के सब कुछ पहन लेता हूँ, अब वो द नेमलेस बच नहीं पाएगी मुझसे। क्या देख रहा है भाई विलेजर, पहली बार देखा है क्या मगरमच्छ? अरे इसकी शक्ल तो देखो यार तुम, इसमें कितना क्यूट लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है रो रहा है जैसे। तो चलो अब उसको ढूंढते हैं। तो इतनी ताका झांकी करने के बाद, इतना हमें उसे ढूंढने के बाद फाइनली हमें यहाँ पर वो मिल गई। तो मैं सोचता हूँ कि इस पर डायरेक्ट हमला करूँ कि कैसे, तो मैं सोचने से पहले डायरेक्ट हमला कर देता हूँ उस पर जाके। आ जा। अरे ये क्या हुआ? ओ शिट, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। इसने पहले भी ओ माय गॉड, बिजली गिरा था ये स्टॉर्म लैंडर। ओ वाओ कितना अच्छा है, मतलब पहले मैं इसे यूज़ नहीं कर पा रहा था अच्छे से। पहले निकलो यार यहाँ से, इसने बहुत हेल्थ खा ली मेरी। ओनली फाइव फाइव हार्ट्स बचे हुए मेरे पास। अरे ये क्या किया उसने, अपनी अपनी सेना बना ली। ऐसा ऐसा भी हो सकता है क्या? मुझे पता ही नहीं था। ये क्या फेंक रही है, पहले तो ये बताओ मुझे। अरे ये क्या, ये मतलब अजीब सी स्केलेटन्स है, ऐसी तो माइनक्राफ्ट में मैंने कभी देखी भी नहीं है ऐसी अजीब सी स्केलेटन्स। ओ शिट, ये इसने कैसे किया? भाई मुझे बहुत डर लग रहा है सीरियसली। तुम मतलब अगर इसे हेडफोन लगा के खेलो ना, सच में माइनक्राफ्ट भी तुम्हें हॉरर गेम लगेगी। ओ शिट, मैं पहले अच्छे से ब्रेड वगैरह खा लेता हूँ और निकलता हूँ यहाँ से। ये तो भाई पीछे पड़ी हुई है, मतलब इस वाले हथियार से मुझे कुछ तो ये पावर्स मिलती है। देखो तुम, ऐसा नहीं लग रहा तुम्हें, जब मैं इससे मारता हूँ तो मुझे कुछ तो होता है। आ पड़ी रे बहुत तेज। ये बहुत अजीबो गरीब जादू कर रही है यार ये। बिल्कुल, ये क्या? अब मैं समझ गया, इससे मुझे शायद है ना तेज भागने की पावर मिल जाती है। अब तो तुम आ जाओ, अब मैं अब तुम नहीं, अब तुम बच ही नहीं सकती मुझसे बिल्कुल। मेरे पास स्टॉर्म लैंडर है, अब मैं तुझे मार दूंगा, बिजली गिराऊंगा सब पे। ओ शिट, इसने फिर से वही किया यार। ये अपने टीम बिल्ड करती जा रही है अपनी, पता नहीं क्या, इतने सारी स्केलेटन्स आ रही है, इतनी सारी द नेमलेस वन। लिटरली मैं इसकी हाफ हार्ट भी इसकी ख़त्म नहीं कर पाया हूँ अभी तक। फिर से अभी मैंने पहले वाली इसकी सेना ख़त्म नहीं की और इसने दूसरी सेना बना ली। ओ शिट, भागो भागो भागो, अभी मेरे को लगता है इससे मैं लड़ नहीं पाऊँगा। तो उसको मारते मारते मुझे सुबह हो, और मैं लड़ता हूँ उससे सुबह सुबह निकल पड़ता हूँ उसको मारने के लिए। पहले इसको ऐसा करता हूँ, मैं पहले इसकी सेना को ख़त्म करता हूँ, इसके बाद मैं इसे अकेला मारूंगा, क्योंकि मुझे लगता है इसकी सेना को मैं पहले आराम से मार पाऊंगा। आज आप तेरे को बताता हूँ, मैं बिजली गिरा दूंगा फिर कैसे बचोगी, तुम्हारी हड्डियों के टुकड़े हो जाएंगे तेरे भी। आ जा। ओके मैंने दो को तो मार दिया यार, इसने फिर बना ली सेना। मैं इसकी हाफ हार्ट मतलब हाफ हेल्थ भी खत्म नहीं कर पा रहा हूँ और ये पूरी सेना बनाई जा रही है बार बार। ओ शिट, भागो भागो, निकलो निकलो निकलो, मैं इतने सारे से नहीं बच पाऊंगा, जल्दी निकलो यहाँ से। ओ कितना मतलब बाल बाल बच गया मैं उसके, उससे नहीं तो खत्म हो जाता मैं शायद। अब आ तू। ओ शिट, भाग 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 भाग, जल्दी जल्दी जल्दी, अब आ जा तू। अब मेरे पास हादी बहुत हेल्थ है मेरे पास। ये आपस में लड़ रही है क्या? ओ तो उसके हथियार से ना वो स्केलेटन शायद खुद मर सकती है, मतलब वो जो फेंक रही है उससे। ओ इतनी जल्दी मार दिया मैंने फाइनली। ओ मैंने मार दिया उसे, लिटरली 3 हार्ट्स बचे हैं बस मेरे पास। तुम भी आ जाओ अब, तुम क्या उसको मार दिया तो तुम क्या चीज हो? ओ भाई हमने माइनक्राफ्ट के हार्डेस्ट बोसेस में से एक को मार दिया, कितनी बड़ी बात है। और एमरेल्ड वगैरह पता नहीं कुछ, इतने सारे एमरेल्ड्स मिले मुझे। अब इसको तो मैं फुर्सत से मारूंगा, अब आ तू। ओहो अभी ये तो मुझे मार ही डालती एकदम। ओ भाई हमारे मगरमच्छ भाई ने कमाल कर दिया यार, नेमलेस वन को मार दिया, कुछ हथियार भी मिले हैं मुझे, एमरेल्ड देखो तुम यार, इतने सारे एमरेल्ड्स।
हाँ मुझे पता है तुम्हें वीडियो तो बड़ी अच्छी लगी होगी, वीडियो में बहुत इन्जॉय किया होगा, तो यार अब वीडियो को लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑल पे सेट कर लेना, क्योंकि ऐसी अमेजिंग वीडियोस आती रहेगी।